हाय किड्स, हाय सर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन पेपर आया था आपके पास। यस सर। देखो क्या लिखा है, 100,000 को लिख सकते हैं। 100,000 को कितना लिख सकते हैं? 1,00,000। देखो 100 है ना, 100,000, ठीक है, कितना हो गया? 1,00,000। 3 मीटर 40 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं, कितना? 340। गुफा चित्रों में से सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है इसमें से? 82। वेरी गुड, 8200 वर्ष पुराना चित्र। एक मिनी बस में 18 बच्चे विद्यालय जा सकते हैं, तो ऐसी 3 मिनी बसों में कितने जा सकेंगे? क्या करना पड़ेगा बताओ? 54। क्या किया? गुणा। 3:15 3:15 बजे घंटे की सुई 3 पर है, तो मिनट की सुई कितने पर होगी? घंटे की सुई 3 पर है, तो मिनट की सुई कितने पे होगी? 3। 3, 3 पंजे कितना होता है? 15। 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 25 जनवरी को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। देखो 1 जनवरी को देखो मंगलवार था, फिर 8 जनवरी को फिर मंगलवार होगा, फिर 15 जनवरी को फिर मंगलवार होगा, फिर 24 जनवरी को क्या होगा? सॉरी, 1, 7, 8, 7, 15, 7, फिर 22 को क्या होगा? मंगलवार। फिर 23 को क्या होगा? बुधवार। और 24 को क्या होगा? बृहस्पतिवार। और 25 को होगा शुक्रवार। ठीक हो गया। अब देखो निम्न प्रश्नों के हल कर सही उत्तर लिखिए। आधे लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 500 मिलीलीटर। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा? 3। 2 किलोग्राम 600 ग्राम में होते हैं कितने ग्राम? 2600। 2 किलोग्राम का कितना हो गया? 2 किलोग्राम का हो गया 2000, और 600 तो ये है ही, तो 2000 में 600 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2600 ग्राम। देखो 40 आमों में से 1/4 आम कच्चे हैं, बताओ कितने आम कच्चे हैं? 40 का 1/4 कितना आएगा? 10। 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 डिवाइडेड बाई 81 कितने बढ़ जाएगा? 9। 9। एक कद्दू की कीमत 20 रुपये है, तो 1/2 हिस्से की कीमत कितनी होगी? 10। 10 क्या रुपए। निम्न प्रश्नों को हल कर सही उत्तर लिखिए। एक कक्षा में 12 कहानी की किताबें लाई गई हैं, कक्षा में 36 छात्र हैं, तो बताइए कि एक किताब को कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? 3। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कैसे किया, क्या क्या बताओ? 3 तो आंसर आया, कैसे आया? 12 का भाग दिया होगा ना 36 में, ठीक है। 1 मीटर कपड़े की कीमत 40 रुपए है, 120 रुपए में कितने मीटर कपड़ा आएगा? क्या करना है इसके लिए भी? बार कितनी बार जाएगा? 3। 3। 6 सेंटीमीटर लंबे व 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? जोड़ वही परिमाप निकालते हैं हम जोड़ के। क्षेत्रफल कितना, क्या सूत्र क्या है? लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो क्या किया हमने? गुणा 24 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग का घेरा 16 सेंटीमीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग एक कोने से काट लिया जाए, तो निम्न में से किस आकृति का घेरा ज्यादा होगा? अब देखो यहाँ पर 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 और ये भी 4, तो इसका घेरा कितना होगा टोटल? 16। अब देखो यहाँ पर हमने काट लिया है, देखो कितना है, 4, 3, ये भी है, ये है 4, ये है 3, ये है 1 और ये है 1, तो कितना हो गया अभी? 16। ये भी 16 है, तो दोनों का घेरा क्या है? बराबर। रहमत को नीचे दिए क्षेत्र के चारों ओर बाड़ करने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, बताओ? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इन सबको जोड़ना। देखो 14 और 16 30 और फिर 30 और 30 60। तो कितने मीटर तार की जरूरत है उसको? 60 मीटर। 4 किलोग्राम चावल को तोलने के लिए 1 किलोग्राम की कितने बाटों की आवश्यकता है? 4। राखी के पास 4 बक्से हैं, हर बक्से में 39 किताबें हैं, तो उसके पास कुल कितनी किताबें हैं? क्या करना है? गुणा
39 को 4 से, कितने मर जाएगा, 4 9 जा 36, 6 4 3 जा 12, 12 और 3 तो कितनी किताबें हैं उसके पास टोटल, 56। इसको आगे बढ़ाओ, 80। किसी स्कूल में 100 छात्र हैं तो दिए गए छात्रों को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। खेल मंडली में कुल कितने छात्र हैं, 50। संगीत में, 25। सफाई में, 25। घड़ी का चित्र बनाकर 6:35 दर्शाओ। 6:00 कितने मिनट बनाने हैं हमने, 35। यहाँ पर कितना आएगा, 12। यहाँ पे 6 3 9। अब देखो वो कितने बजाने हैं हमने, 6:35। तो छोटी वाली सुई कहाँ पर रखनी है, 6 पे। बड़ी वाली, 7। ठीक हो गया। रोहन को घर बनाने के लिए 1200 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक चक्कर में 200 बोरियां ले जाता है तो सारी बोरियों ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या करना है, भाग 200 का भाग 1200 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। रामू के पास 70 मीटर लेस का बंडल है, नीचे दिए गए मेज पोस्ट के लिए कितने मीटर लेस की जरूरत होगी, बताओ कितने मीटर लेस की जरूरत है इसके लिए, 5 6 7। देखो ये है 1.5, ये है 1.5, 1.5 1.5 कितना हो गया, 3 3 और 2 5 और 5 और 2 7। कितने मीटर की जरूरत है उसके, वो 7 मीटर्स, ठीक है, 7 मीटर लेस की उसको क्या है, जरूरत है। ओके।